यस बेटा, आज हम एक्सरसाइज 6.5 करेंगे, ठीक है? 6.5, इसमें हमें क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन यस एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी एचसीएफ और एलसीएम के बीच का रिलेशन हम समझेंगे आज। बेटा आपको मैंने मान लीजिए कोई भी दो नंबर दे दिए, ठीक है? फॉर एग्जांपल दे दिया 8 और 12, क्लियर? अब आपको, आपने क्या किया, 8 और 12 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 96, 12 8 96 होता है, क्लियर? अब आप क्या करेंगे कि 8 और जो 12 है इसका आप सबसे पहले बताइए एलसीएम क्या है। एलसीएम आपको पता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसा पहला नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो। तो आपको पता है 12 की टेबल में 12 आता है एक, तो वो 8 की टेबल में नहीं आता, 24 आता है। यस 8 की टेबल में आता है ना 24, यानी इनका एलसीएम तो हो गया 24, क्लियर? अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, एचसीएफ किसका, 8 और 12 का। एचसीएफ यानी दोनों के फैक्टर, तो आपको पता है 8 का फैक्टर है एक तो 1 2 4, है ना, 8 यही है ना, और 12 का फैक्टर है 1 2 3 4 6 और 12। अब सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या आया इन दोनों का, सॉरी हाईएस्ट फैक्टर जो दोनों में हो, एक तो 2 भी है 1 भी है 4 भी है और कोई है नहीं, यानी एचसीएफ क्या हो गया इसका, 4 हो गया। एचसीएफ तो आपको पता है अभी अभी हमने किया है, एचसीएफ क्या है बेटा, 4 है ना, क्योंकि ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 था इसीलिए। अब आपके ये आंसर राइट है या नहीं है ये हम कैसे पता करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला है, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम, यानी जब एचसीएफ और एलसीएम मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यानी जो नंबर्स आपको गिवन है उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम नंबर, वो सेम प्रोडक्ट आएगा इन एलसीएम और एचसीएफ का भी। तो एचसीएफ कितना है, 4, एलसीएम कितना है, 24, 4 4 16, 1 कैरी, 4 2 8, 8 प्लस 1 9, 96 आया, यहाँ पे भी 96 और ये भी 96 है ना, यानी 12 into 8 96 एंड 24 into 4 96, यही है ना, क्लियर? अगर ये दोनों के आंसर सेम है इट मींस कि आपका आंसर करेक्ट है, और अगर इसमें मिस्टेक है इट मींस आपका आंसर करेक्ट नहीं है, क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको क्या समझाया है, रिलेशन किसका, एचसीएफ और एलसीएम का। क्या रिलेशन है कि हमें अगर किसी भी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना, हमने कर लिया। अब हमने फाइंड आउट सही किए हैं या नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा, जो भी दो नंबर हमें गिवन है उन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है, आंसर आता है, ठीक है, वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए किसके, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसके बिल्कुल बराबर होना चाहिए, जैसा अभी हमने देखा था। अब हम एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करें। यस ठीक है, तो फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम। देखिए कैसे करेंगे हम इस एक्सरसाइज को, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे और आप इससे इजीली समझ जाएंगे। जैसे कि आपको इसमें दिया है 12, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, 12 एंड 20, ठीक है? आपको इसमें बोला है कि सबसे पहले तो आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करिए और वेरीफाई करिए, वेरीफाई मतलब पता करना कि जो आपने किया है वो सही है या नहीं है, ठीक है? उनके बीच में रिलेशनशिप पता करिए कि उनके वो सही है या नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। तो आपको पता है एलसीएम का मतलब है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब जो नंबर्स इनकी टेबल में आते हैं वो मल्टीपल है, जैसे 12 और 20। तो आपको पता है 20 की टेबल में एक तो 20 आता है, वो 12 की टेबल में आता है, नहीं आता, या तो 24 आता है, फिर आता है 40, 12 की टेबल में आता है, नहीं, 12 12 40 नहीं आता, फिर आता है 60, ये आता है यस, 12
12 5 60 आ गया ना। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या है 60। यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको, ये तो आपको पता ही है। अब हम क्या निकालेंगे, HCF, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो आपने जस्ट अभी फिनिश किया ही है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो 12 है उसकी फैक्टर यानी 12 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में 1, 12 जा 12, फिर 2 की टेबल में 2, 6 जा 12, उसके बाद में 3, 4 जा 12, अच्छा 4 क्या 5 में तो आता नहीं है, 6 इधर आई क्या, है ना, तो 2, 6 जा 3, 4 जा, फिर 4, 3 जा रिपीट होता है, इतने ये हो गए। ऐसे अब आप क्या निकालेंगे, 20 किस किस की टेबल में आता है बताओ फटाफट, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, दो फैक्टर हो गए, अच्छा फिर 2 की टेबल में आता है, यस ये इवन नंबर है आएगा ना, 2 टेंस आर 20, 3 में आ नहीं सकता, 4 में आता है, यस 4, 5 आर 20, उसके बाद 5 4 आर, यानी वापस वही नंबर आ गया, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब आप निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स, तो 2 भी है, 1 भी है, 4 भी है, और कोई नंबर है नहीं है, तो आपने क्या देखा कि इसका एच सी एफ क्या निकाला हमने, एच सी एफ बेटे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया, यस 4, यानी सबसे हाईएस्ट नंबर 4 है जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने आंसर को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, नंबर्स क्या गिवन थे, 12 × 20, ये एक बॉक्स बना देती हूँ, तो आपको पता है कि ये एक जीरो आ गया, n 2 2 जा 4, 2 1 जा 12 into 20 कितना आया 240। अब आप देखेंगे कि हमारा HCF और LCM कितना आया, रिलेशन क्या है ना, तो HCF into LCM कितना है तो देखते हैं यहाँ पे, HCF है यस 4 और LCM में 60, तो 4 × 60, 4 × 0 = 0, 4 × 6 = 24, तो ये दोनों इक्वल है या नहीं है, यस इन दोनों का ये जो प्रोडक्ट आया ये क्या है, प्रोडक्ट क्या है बेटा, ये प्रोडक्ट, तो ये इक्वल आया, यस दोनों का इक्वल है, इट मींस हमारा आंसर करेक्ट है, आया समझ में, ठीक है। जो भी आपको एस सी एफ और जो नंबर आपको दिए हैं इनको मल्टीप्लाई करना है आपको, और क्या आया 240। अब आपका जो एस सी एफ और एल सी एम आया है आप इसे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो दोनों का मल्टीप्लाई का आंसर सेम आना चाहिए, अगर सेम आता है इट मीन्स आपने बिल्कुल करेक्ट किया, यानी प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, क्लियर। सो हियर वी फिनिश्ड क्वेश्चन फर्स्ट ए, मैंने आपको फर्स्ट का ए समझाया, इसी का मैं अगला समझाती हूँ आपको, यस बेटा। सो इन बी, बी हमारा है 28 and 42, तो बी में मैंने क्या देखा कि जब मैं 28 के मल्टीपल्स निकालती हूँ, तो 28 की टेबल में 28, 56, 84, और यहाँ पे मैंने देखा 42 का टेबल लिखा, तो 42, 84। अब आप बोलो मैम हमें तो इसकी टेबल आती नहीं है, तो आपको पता है इसमें कुछ भी नहीं करना, साइड में मल्टीप्लाई कर करके आप नंबर्स लिख सकते हैं ना। अच्छा अब मैंने क्या देखा कि दोनों की टेबल में ऐसा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 84, जो मेरा यहाँ पर आ गया एलसीएम। अब एससीएफ के लिए जब मैंने फैक्टर्स लिखे तो मैंने देखा 1 × 28, 28, 2 × 14, 28, 4 × 7 = 28, और 7 से पहले ना तो 5 की टेबल में आता है ना 6 की टेबल में 28 आता है, ठीक है, यानी इसके फैक्टर्स मैंने नोट डाउन कर दिए। अब जब मैंने 42 के लिखे तो 42 को मैंने क्या देखा कि इसका 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42, ये फैक्टर्स है, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये मैं आपको सिखा ही चुकी हूँ। अब जब मैंने इसका एस सी एफ निकाला तो एस सी एफ कितना आया बेटे 14 आया, कैसे आया, क्योंकि इसके जो कॉमन फैक्टर्स था 1, 2 और 14, और जो सबसे बिग है वो है 14, क्या है 14, है ना। एस सी एफ कैसे निकालना ये तो आपने सीखा ही, अभी हमसे दो एक्सरसाइज में सीखा है ना बेटे, तो यहाँ मैंने एस सी एफ निकाल लिया। अब मैं मुझे वेरीफाई करना था कि मेरा आंसर राइट है या नहीं है, जब मैंने वेरीफाई किया तो मैंने देखा कि 28 को जब 42 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो 1176 आता है। और इधर मैंने HCF, ये तो क्या है मेरा HCF है ना, और ये है LCM। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये जो मेरा प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट क्या आया, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। क्लियर? जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आ जाए इट मीन्स कि हमारा आंसर करेक्ट है। क्लियर? यस। अगर डिफरेंट आता है यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। तो ये मैंने अभी आपको क्या सिखाया, बी बी देखा आपने कैसे किया। सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के लिए मैंने कॉमन दोनों के मल्टीपल्स लिखे, और जो फर्स्ट नंबर आया था सबसे पहला जो दोनों की टेबल में आता वो नंबर एलसीएम बन गया। और एचसीएफ में मैंने दोनों के फैक्टर्स निकाले, और जो सबसे बड़ा नंबर था जो दोनों में आ रहा था जो नंबर वो एचसीएफ बन गया। फिर मैंने एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई किया और मैंने देखा कि इसका जो आंसर आता है दोनों का प्रोडक्ट वो किसके बराबर होना चाहिए, क्वेश्चन में दिए गए नंबर के मल्टीप्लाई करने के बराबर होना चाहिए। क्लियर? ये मैंने आपको क्या करवाया अभी, ए एंड बी है ना। अब नेक्स्ट हमारा है सी। तो चलिए सी देखें बेटा। यस यस बेटा, जब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी है, 36 एंड 63। क्लियर? यहाँ हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों की टेबल्स लिखनी है, और ऐसे लिखनी है कि नंबर्स जैसे यहाँ 126 आ गया, तो अभी हम यहाँ पे इतना चले कि 126 के आसपास का नंबर चले। ठीक है? हमने जब टेबल लिखी तो मैंने क्या देखा कि अभी 63, 126 कोई भी कॉमन नहीं है। लास्ट में जब 252 आया तो ये फर्स्ट कॉमन मल्टीपल था दोनों का, जो दोनों की टेबल में जो नंबर रिपीट हो रहा था, ये मेरा एलसीएम बन गया यहाँ पे। उसके बाद में मैंने क्या फाइंड आउट करना शुरू किया, एचसीएफ। क्या किया बेटा, एचसीएफ। और जब मैंने एचसीएफ फाइंड आउट किया तो मैंने इनके फैक्टर्स लिखे, तो मैंने यहाँ पे देखा कि 136 1 × 36 होता है, फिर 2 × 18 भी 36 आता है, 3 × 12 = 36, 4 × 9 = 36, 6 × 36। यानी इसके जो फैक्टर्स हैं, 36 किस किस के टेबल में आता है, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। कैसे पता क्या, ये मैंने आपको इससे पहले बहुत अच्छी तरह पूरे एचसीएफ समझाया है बेटा, है ना। ऐसे ही 63 के भी जब मैंने फैक्टर्स निकाले तो इसमें आया 1, 3, 7, 9, 21, 63। यानी इन दोनों का एचसीएफ भी क्या आया, 9 आ गया। कैसे आया 9, क्योंकि सबसे बड़ा दोनों का कॉमन फैक्टर है 9। ठीक है? अब मुझे इसको वेरीफाई करना है कि मैंने जो किया है वो करेक्ट है या नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो जो मुझे नंबर दिए थे 36 × 63, पहले तो मैंने इससे मल्टीप्लाई किया। इसे आप नीचे करना, मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी बेटा, इसलिए किया। ठीक है? मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया बेटा मेरे पास, यहाँ पे 2268। क्या है, 2268। और जब इसको मल्टीप्लाई किया एचसीएफ इंटू एलसीएम को, तब भी 2268। यानी इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है। यस, यानी हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट है। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन फर्स्ट के ए बी सी करवाए हैं। पहले एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, और उन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर आना चाहिए, गिवन नंबर्स की मल्टीप्लाई के बराबर, यानी प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। क्लियर? तो अब आपको क्या करना है, आपको इसका जो डी और ई है ये किस में करना है बेटा, होमवर्क में करना है। किस में करना है, होमवर्क में। क्लियर? तो यहाँ तक मैंने आपको पूरा समझा दिया ए बी सी। अब आप क्या करेंगे, इसके जो बाकी के जो दो क्वेश्चन हैं आप इसे होमवर्क में फिनिश करेंगे। क्लियर? तो एक्सरसाइज 6.5 में आपका मैथ्स जो होमवर्क है वो है क्वेश्चन फर्स्ट डी और ई। डू दिस वर्क इन योर नोटबुक विद गुड हैंडराइटिंग। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर बेटा? ये एक्सरसाइज यूनिट 6 है, ये थोड़ी सी टिपिकल है, इसको अच्छे से करिए, अच्छे से समझिए। कोई भी डाउट है फिर से मुझसे फोन करके पूछिए, बात करिए। बाय बेटा।